अलकुम ख़वातिन हजरा डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद लाइव हाजर ख़दत न्यूयॉर्क से आपके सवाल और जवाब के साथ आज की नशस्त हमारी आ, मर्द हजरात के लिए है जिनको वेरिकोसील है और उसके साथ इनफर्टिलिटी है और अक्सर हमें सवालत मिलते हैं कि क्या टेस्टस्टरों के टीके जिसको ताकत के टीके कह के ऑफ़र किया जाता है और पाकिस्तान में ऐसा सच कोई कंट्रोल नहीं है और कोई भी लेके अपनी डिमांड पे लगवा सकता है तो उस सिलसिले में हम चाहते थे कि आपको आगाही दें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दें कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है आया ये आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ये आ, एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है ये आपके टेस्टीज से निकलता है और अगर आपके टेस्टिस में प्रॉब्लम है या किसी वजह से कोई इशू है आ, तो ये हार्मोन कम हो जाएगा जब आप बच्चे होते हैं खासकर मदर हजरात तो आपकी डेवलपमेंट, आपकी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स आपकी डेवलपमेंट, ग्रोथ सेक्सुअल फीचर्स उसके लिए ये इंतहा अहम होता है आ, जैसे जैसे आप प्यूबर्टी की तरफ जाते हैं यानी लड़कपन फिर एडोलसेंट यानी बलोग की तरफ बढ़ते हैं या एडल्ट एज में जाते हैं तो उस वक्त ये हार्मोन आपकी मसल ग्रोथ आपकी बोन को स्ट्रांग करना और आपके मेंटल वेलबींग well के लिए ये दरकार होता है अब हमें ये जानना है कि ये जो मर्द हजरात जिनको वेरिकुसील है आ, क्या उनके लिए ये हार्मोन बाहर से ले कर लगवाना या आ, आ, जो लाइल में हमारे क्लिनिशंस या इवन क्वाइस हैं या फार्मासिस्ट हैं वो बगैर किसी तहकीक के आपको इनक्रेज करते हैं कि टीके लगा लें तो इसका आपको नुकसान है ख़ास कर वो मर्द हजरात जो कि औलाद के लिए कोशिश कर रहे हैं वो जहन में रखें कि जब भी आप ये टीका लगवाएंगे तो आपका जो जिसम का अपना हार्मोन लेवल है वो कम हो जाएगा और ये हार्मोन आपकी स्पर्म्स की डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है ठीक है और कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि आपकी लिबिड यानी आपकी चाहत के आप अजवाजी ताल्लुक में शामिल हों वो भी चाहत भी कम हो जाती है सो so, ये जहन में रखें कि ये इंतहाई अहम है कि आप आ, आ, इस चीज़ के लिए आप अपने मालिज से डिस्कस करें और वो मालिज भी आ, स्पेशलिस्ट हो यानी मेल रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हो और उसके उसके बाद सर्टिफिकेशन हो या फर्टिलिटी डॉक्टर्स हो जो कि आपको सही तरीके से गाइड कर सके लेकिन ये बॉटम लाइन ये है और ये कंसेंसिस uh, स्टेटमेंट है मुख्तलिफ स्पेशल्टीज़ की मुख्तलिफ डॉक्टरों के ग्रुप्स की कि वो मर्द हजरा जो कि कंसीव uh, करना चाहते हैं वो uh, टेस्टोस्टेरोन के टीके आ, बिल्कुल ना लगवाएं उससे मैं जिस तरह आपको बता चुका हूँ कि आपकी फर्टिलिटी यानी आपकी आ, जो कैपेबिलिटी है वालिद बनने की वो मुतासर होती है अच्छा अब इसका हल क्या है अगर आपको मालूम है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है और जिसकी आपको वजह भी आपके सामने है आ, हमारे लिए जो सबसे अहम वजह जो हमें देखने में आती है आ, वो है वेरीकोसील यानी आपकी वेंस का भर जाना जो कि आपके टेस्टिस के अंदर जा रही हैं अब वे, वेंस का काम ये होता है कि खून को वापस लेके आए जबकि ये वेंस जब ख़राब हो जाती हैं तो खून इनमें खड़ा रहता है और इनमें से टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं हीट बढ़ जाती है जिसकी वजह से टेस्टिस जो है वो काम करना छोड़ देता है या काम कर रहा होता है तो बहुत आ, अब नॉर्मल तरीके से काम करता है बस यूं समझिए कि टेस्टिस में शायद लोड शेडिंग हो गई ठीक है या लो वोल्टेज है तो उसका हल है कि आप अपने वेरिकोसील का इलाज कराएं हमारी जो प्रैक्टिस है वो स्पेशलाइज्ड है हम बगैर सर्जरी किए बग़ैर कट लगाए बग़ैर आपको बेहोश किए आपका ये ट्रीटमेंट करते हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट है ये थ्री तरीके से किया जाता है थ्री डायमेंशनली हम आपको देखते हैं और आपकी बड़ी वेन जो कि आपकी गर्दन से आपकी रान से जा रही है उससे हम जाते हैं और नबे फ़ीसद अफराद में बल्कि पचानवे फ़ीसद अफराद में ये लेफ्ट साइड पे होती है वेन और आपके टेस्टिस तक जाती है और इसका अच्छा बड़ा साइज़ होता है ये एक वेन नहीं होती अल्ट्रासाउंड जब हम करते हैं तो हमें अगर एक वैन भी मिल जाए जिसका साइज़ दो मिलीमीटर या उससे ज़्यादा है और साथ आपको अगर स्पर्म्स की अब नॉर्मेलिटी है या इनफर्टिलिटी है तो लामोला ये उससे रिलेटेड होता है तो याद रहे कि वेरिकोसील व इलाज बीमारी है जो कि हमें बाहर नजर आती है और इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसका हम इलाज पाकिस्तान में अर्स दराज से कर रहे हैं और अलमदिल्ला हमारे हज़ारों की तादाद में रुबा साहत मरीज़ हैं और से अच्छी बड़ी तादाद जो है वो बग़ैर किसी आई वी एफ एक्सी या आई यू आई के इस वक्त बाप बन चुके हैं जिसके लिए हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है याद रहे कि ये प्रोसीजर आपका गारंटी नहीं करता कि आप फर्टाइल होंगे लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि इसका जो सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट अलहमद 98, 99, ऑलमोस्ट 100 परसेंट सक्सेस रेट है लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि अंदर जो वेरिको है उसने कितना डैमेज किया आपको ठीक है आ, वो उसके लिए एक मल्टी अप्रोच है हर पेशेंट फ़र्क है एज के किस आ, आ, किस एज में आपने डिस्कवर किया है अगर आप 50 साल के हैं और आपको 50 साल से ये है तो आपके चांसेस एक 20 साल के यंग मेल से मेल के मुकाबले में कम हो जाते हैं हमने देखा है तीस से पचास फीसद मर्द हजरात जो हैं जिनमें स्पम्ब नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं और उनके लिए कंसीव करना आसान हो जाता है आ, हमारे मुशाहदे में आया है करीब जो कपल जो फर्टाइल नहीं हैं और जो कोशिश कर रहे हैं अर्सा दराज से उसमें अगर 50% फ़ीसद खातान है तो 40 से 50% फ़ीसद और इवन 60 परसेंट मेल का रोल भी है जो कि हमारे माशरे में ज़्यादातर ब्लेम जो है वो ख़वा पर किया जाता है तो मेरा मकसद आपको ही देना है ये सिर्फ़ तमाम मलबा आप खीन पर ना डालिए इसमें मेल्स आ, आ, का जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा है तो ये आ, एक फैक्ट है जो हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं वरना जहालत की तो कोई इंतहा नहीं है आप किसी पे भी कोई भी आप इल्ज़ाम डाल दें बगैर प्रूफ के तो ये हमारा मुशाह है कि करीब चालीस से साठ फीसद तक हमने अपने पेशेंट्स में अपने मैरिड कपल्स में देखा है कि मेल फैक्टर यानी मर्दों में प्रॉब्लम है ठीक है अगर ख़वातन बिल्कुल सही हैं तो मर्दों में डेफिनेट प्रॉब्लम है जिसके लिए अगर हम आ, उनका सीमेंट टेस्ट कराते हैं तो उसमें अब नॉर्मल आते हैं अगर नॉर्मल सीमेंट भी आ रहा है तो उसमें एक टेस्ट किया जाता है डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स जिससे हमें पता लगता है कि जो स्वम के अंदर डीएनए है वो नॉर्मल है कि नहीं है और अक्सर ये होता है कि हीट की वजह से वो डीएनए एन एबनॉर्मल हो जाता है तो आपको सीमेंट एनालिसिस अगर नॉर्मल भी नज़र आ रहा है तो आपका डी जो फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स है वो एबनॉर्मल होता है यानी नॉर्मल नहीं होता जिसकी जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे होते और अगर आपको मालूम है कि आपका आपको वैरिकोसील है तो अगर आप उसका इलाज करा लेते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आ, ये भी बताना आपको मकसूद था कि अगर आप बाहर से जिस तरह मैंने बताया कि हमारे कैमिस्ट हमारे छोटे छोटे देहात में आ, फार्मेसीज हैं या डॉक्टर्स हैं या क्वैक्स हैं या जो भी हैं वो इस चीज़ को नहीं जान पा रहे कि ये वो कर क्या रहे हैं वो टेम्प्रेरी वो बेनिफिट के लिए आपको एडवाइस कर देते हैं कि जी आप ये टीका लगवा लें या टेस्टोस्टीरॉन का इंजेक्शन लगा लें जिससे आपकी बॉडी मुतासर हो रही है यानी कि जो आपके अंदर एक सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है जिससे आपके स्पम्स बनने भी हैं और आपको अगर माइल्ड वेरिको सील भी है तो वो भी सिलसिला रुक जाता है ठीक है तो इसलिए इसको आ, इससे इज्तनाब करना हमारे वो पेशेंट्स जो कि कोशिश कर रहे हैं वल्दीत के लिए उनके लिए बहुत अहम है सो so, आपके सवाल आ रहे हैं और आ, मैं ज़रा बात अपनी मुकम्मल करना चाह रहा हूँ तो उसमें आ, हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो है ज़ीरो थ्री थ्री वन टू फाइव नाइन सेवन थ्री टू टू ज़ीरो थ्री थ्री वन टू फाइव नाइन सेवन थ्री टू टू ज़ीरो थ्री थ्री वन टू फाइव नाइन सेवन थ्री टू टू और व्हाट्सएप करने के लिए जो हमारा नंबर है वो है ज़ीरो थ्री थ्री जीरो टू नाइन सिक्स थर्टी थ्री हंड्रेड हमारे पेज पे जगह जगह ये दिया हुआ है नंबर तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है आप देख सकते हैं हर जगह हर पोस्ट के साथ दिया हुआ है हमारी मीडिया टीम ने ताकि हमारे पेशेंट्स को प्रॉब्लम ना हो तो इस सिलसिले में हमारा स्टाफ हमेशा अवेलेबल है आप हमारी दो साइट्स हैं आ, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल जो कि गदाफी स्टेडियम लाहौर के भी सामने है वहाँ पे हम अवेलेबल हैं हफ्ते में छः दिन हम अवेलेबल होते हैं मंडे से ले कर सैटरडे तक और हमारी दूसरी साइट डी एच ए फेज फाइव लाहौर में है पेंटा स्क्वेर आ, सेंटर के सामने वहाँ पे हफ्ते में दो दिन हमारे कंसल्टेंट अवेलेबल होते हैं तीसरी साइट हमारी कराची में है ओ एम आई हॉस्पिटल कराची वहाँ पे हफ्ते के छः दिन हम अवेलेबल हैं और हमारे कंसल्टेंट्स की टीम आपको एडवाइज़ करती है बेसिक टेस्ट जो हमें दरकार है वो आपका अल्ट्रासाउंड टेस्ट है टेस्टिकुलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड उसमें ख्याल रखिए कि ये हर जगह से नहीं होता आ, जो नॉर्थ के लोग हैं वो आ, आ, यानी पेशावर के और इस तरफ के वो आरएमआई एम आई हयात आबाद वहाँ से करा सकते हैं वहाँ पे डॉक्टर अब्दुल्ला हैं रेडियोलॉजिस्ट वो uh, कर रहे हैं इसको uh, हमने सिखाया है हमारे सारे जूनियर कोलिग्स हैं किस तरीके से करना है फिर इसी तरह इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर है आ, ये सब जगह काफ़ी सारे शहरों में है नॉर्थ में वहाँ से आप जब भी जाएं उनसे आप कहें कि डॉक्टर रुस्तम आलम शाह वो इस टेस्ट को करते हैं तो उनके प्रोटोकॉल को फॉलो करें और यह भी हम बताना चाहते हैं कि जो मर्द हजरात इसको टेस्ट को कराने जाते हैं आ, उनको चाहिए कि वो ख़ुद भी इंसिस्ट करें कि हमारा अल्ट्रासाउंड आप लेटा के करें फिर हम आप, आप हमें खड़ा करके करें फिर लंबा सांस दिलवा के और जोर लगवाएं जिससे हमें पता लगेगा कि दौरान खून जो है वो एबनॉर्मल है तो आ, इसका डायग्नोसिस उसी वक्त बन जाता है यानी उस खून को वापस हार्ट की तरफ जाना चाहिए तो जब आप लंबा सांस लेते हैं तो वो खून नीचे की तरफ यानी आपके टेस्टिस की तरफ जा रहा होता है वेन के थ्रू जो कि नॉर्मल नहीं है ठीक है वेन्स का काम खून को वापस हार्ट की तरफ लेके जाना है तो इसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ फ्लो तो ये अगर हमें मिल जाता है तो आपका डायग्नोसिस बन जाता है याद रहे कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है यानी इसमें आपको अल्ट्रासाउंड पे अगर एक वेन भी नजर आ रही है तो इसका मतलब ये कि वहाँ जो बकाया वेंस हैं वो भी ख़राब हैं हमारे मशाहदे में आया बज दफ़ा चौदह मैक्सिमम नंबर ऑफ वेंस देखी गई हैं पाँच छः तो हम खुद जब प्रोसीजर कर रहे हो तो हमें नज़र आती हैं और उन पाँच छः वेंस को हम एक ही उसमें गो में बंद कर देते हैं ठीक है और इसका जो ट्रीटमेंट है वो आ, स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट है और आ, थ्री डी तरीके से किया जाता है यानी थ्री डायमेंशनली इसको देखा जाता है और वो मेडिकेशन इस्तेमाल की जाती हैं जो कि ब्रेन के अंदर एनोरिजम रिपेयर या वी मेलफॉर्मेशन को ठीक करने के लिए यानी एबनॉर्मल जो वेंस दिमाग के अंदर बन जाती हैं उनको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वही तमाम इक्विपमेंट हम बाहर से लेके आते हैं और क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है आ, या अमेरिका में भी ख़ास डॉक्टर्स को जिनकी ट्रेनिंग है उनको जिनके लाइसेंस हैं उनको अलाउ किया जाता है लेकिन हमारा एजाज है कि हमने इस चीज़ को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया है और अलहद हमारे सैकड़ों मरीज हैं अब ये जानना है कि टेस्टोस्टिर हार्मोन जो है ये आ, अगर है कम हो रहा है तो इसको कैसे ठीक किया जाए और आपको अगर वेरिकोसील भी नहीं है तो आ, क्या हम ले सकते हैं अब मेरे मुशाहे में ये है कि वो मर्द हजरात जो कि फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं और आ, उनको वेरी को सील भी नहीं है तो उनमें एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपको ये थेरेपी दी जा सके और ये आप खुद ब खुद नहीं करते आप ये गाइडेंस में आ, आ, जो तजरबेक डॉक्टर्स हैं उनकी रहनुमाई में ये सारा कुछ करते हैं अगर आप ख़ुद से करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा नुकसान का खदशा है इसमें ये बहुत अहम चीज़ है कि आप ख़ुद से अपना इलाज ना कीजिए और आ, आ, हमने हमारे देखने में आया है कि वो मत हजरात जो कि सिक्सटी एन अबव मैं तो कहूँगा सेवेंटी एन अबव अगर उनको आ, लो टेस्टोस्टेरोन है और उनको सिम्टम्स हैं तो उसमें हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि आ, इसका फ़ायदा उनको हो सकता है और उसमें अब कई तरीके हैं के आ, ये ये आ, आ, अब ओरल फॉर्म में भी आ गया यानी कैप्सुलर फॉर्म में भी आ गया है। पहले जो शुरू में था ये सिर्फ इंजेक्टेबल था यानी आप इंजेक्शन के ज़रिए दे सकते थे लेकिन अब ये अवेलेबल है एज़ अ जेल क्रीम की सूरत में इंजेक्शन की सूरत में और इसको आ, टाइट्रेट किया जाता है यानी आपके अगर सिम्टम्स हैं लो एनर्जी है डिप्रेशन है मसल मास कम हो रहे हैं और फैट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जिसम में तो फिर ये दिया जाता है आ, इसका नॉर्मल लेवल क्या है जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं आ, याद रहे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल फ्लक्चुएट करते हैं यानी आ, सुबह के टाइम ये ज़्यादा होता है जैसे जैसे दिन का वक्त गुजरता जाता है तो ये कम होने लग जाता है आ, इसका आपकी नींद आपकी आ, दिमागी हालत और उससे बहुत ताल्लुक है अगर आप वेल रेस्टेड हैं और आपकी डाइट सही है आपको एन्जाइटी नहीं है स्ट्रेस नहीं है तो आपका हार्मोन लेवल नॉर्मल आएगा आ, ये इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 280 से लेके 1070 नैनोग्राम्स पर आ, डेसी लीटर है इसमें ये एक अहम चीज़ है कि आ, वो मर्द हजरात जो सीनियर एज ग्रुप में हैं उनको जब हम ये देते हैं और बहुत उनका आ, कम हुआ हुआ है हार्मोन लेवल है तो उनका जो सिम्टम्स हैं वो रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं लेकिन हम अपने आ, मरीज़ों में इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं हम चाहते हैं कि जिसम से ख़ुद ब खुद ये हार्मोन बने ताकि आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव हो चुके हो सके आ, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसकी इंजेक्ट इंजेक्टेबल फॉर्म्स हैं यानी इंजेक्शन की सूरत में ये काफ़ी अर्से से अवेलेबल है यानी एक शॉर्ट टर्म है जिसमें हर एक हफ़्ते या दो हफ्ते के बाद इंजेक्शन दिया जाता है एक लॉन्ग टर्म है जिसमें हर चार हफ्ते के बाद आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है आ, फिर हमारे पास पैलेट्स हैं जो कि हम आ, एक सीड़ की तरह आपके आ, कूले में यानी आपकी रान के पीछे हिस्से में छोटा सेंसीजन लगा के हम उसको आ, प्लेस कर सकते हैं लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये सीनियर लोगों के लिए यंगस्टर्स के लिए नहीं है आ, पैचेस मिलते हैं जो कि चिपका दिए जाते हैं जिससे आहिस्ता आहिस्ता आपके जिसम में ये चला जाता है फिर चीक और बकल यानी मुंह के अंदर भी लगाया जा सकता है पैच इम्प्लान का आपसे ज़िक्र कर चुका हूँ जो कि तीन से छः हफ्ते के अरसे में दिया जाता है अमेरिका में दो किस्म की कैप्सूल्स अवेलेबल हैं जिनकी डोज रेंज है वह दो सौ पच्चीस से लेके तीन करीब चार सौ मिलीग्राम तक है और दिन में दो दफ़ा लेनी पड़ती है तो उसमें ये होता है कि अक्सर लोग भूल जाते हैं तो फिर आपका जो है हार्मोन लेवल नीचे चला जाता है ये नाक के अंदर नेजल स्प्रे जैसे आपने देखा होगा एलर्जी के लिए स्प्रेज अवेलेबल हैं उससे भी दिया जाता है ठीक है जी आ, जब ये हम अपने सीनियर्स में देते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो उनके आ, दूसरे मसले मसाइल हैं वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं आ, और आ, आ, पाकिस्तान में मुझे इसकी अवेलेबिलिटी का इतना इल्म नहीं है लेकिन अमेरिका से ये अवेलेबल है और मोस्ट लाइकली पैचेस जो हैं वो अवेलेबल होंगे लेकिन जैसा मैंने कहा है कि ज़्यादातर हमारे पेशेंट्स यंगस्टर्स में से हैं तो हमें हम इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं लेकिन इंजेक्टेबल फॉर्म में ये पाकिस्तान में भी अवेलेबल है अच्छा याद रहे कि वो मज़ हजरात जिनको ये सवाल है कि ये सेफ़ है कि नहीं है तो उसमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वो मर्द हजरात जिनको प्रोस्टेट कैंसर हुआ है आ, ये गाइडलाइंस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने बताई हैं कि इन मरों इन मरीज़ों में इसका इस्तेमाल आप अवॉइड कीजिए यानी वो हजरात जिनको मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट के अंदर कोई नोड्यूल है या गदूद है या उसमें इन्फेक्शन चल रहा है या पी लेवल अक्सर जो मर्द हजरात जिनका प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है उनका पी लेवल जो है वो बढ़ जाता है आ, अगर उनका जो हेमाटोक्रेट यानि खलियों की तादाद खून में अगर ज़्यादा है तो इसको अवॉइड करें क्योंकि इससे और ज़्यादा खलियों की तादाद जो है यानी रेड सेल्स की आ, तादाद बढ़ सकती है जिससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खदशा हो सकता है वो हजरात जिनको आ, आ, सोते हुए सांस रुकती है जिसको स्लीप एपनिया कहते हैं उनके लिए भी ये मना है क्योंकि स्लीप एपनिया जो है आ, आ, वो आ, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है वो हजरात जिनको आ, यू टी आई यानी पेशाब के या मसाने के इन्फेक्शन हैं उसमें भी मना करते हैं आ, वो हजरात जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यानी कि उनका दिल जो है वो पंप नहीं कर पा रहा उनके लिए भी ये मना है इसी तरह वो हजरात जिनको आ, आ, बहुत रीसेंट हार्ट अटैक यानी अगर हार्ट अटैक हुआ है या फालिज हुआ है उनके लिए भी ये मना है यही चीज़ें ये टेस्टोसिरोन इन लोगों के लिए भी कर सकता है तो इसलिए ये डबल एसोड है यानी जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी हैं ठीक है, है? थ्रम्बोफेलिया यानी आपके जो प्लेटलेट्स हैं उनको भी ये आ, खराब कर सकता है आ, हमने ये देखा है कि अक्सर मर्द जो आ, तीस साल या चालीस साल से उम्र के हैं उनमें आ, ये बददरीज कम होता रहता है ठीक है तो इसको आप कैसे हैंडल करेंगे आ, उसके लिए हम आपको डिटेल अभी बताएंगे कि इसके पहले मैं आपको साइड इफेक्ट्स बता दूं जो कि टेस्टोस्टिर जो लोग ले रहे हैं उनमें क्या क्या हो सकता है आ, जब आप आ, आ, क्रीम या ऑइंटमेंट्स लेते हैं तो रैशेस बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं और एक्नी यानी जो दाने निकलना मुंह के ऊपर आपने देखा होगा जो पहलवान बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टिर लेते हैं जिसको पाँच से छः गुना ज़्यादा वो टेस्टोस्टिर ले रहे होते हैं ताकि उनके मसल्स बिल्ड हो सके तो उनके चेहरे के ऊपर बहुत से दाने निकलना शुरू हो जाते हैं बाल ख़त्म होने लग जाते हैं हेयर लॉस होने शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा उनको एन्जाइटी परेशानी ब्लैडर इरेटेबिलिटी बार बार पेशाब आता है आ, जो डीप वेन्स हैं उनके अंदर क्लॉट्स बनने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा एंगर और एग्रेसि बिहेवियर होता है उनका बाज़ात ये देखने में आया है कि आ, मर्दों में उनकी जो छाती है वो उसकी शेप चेंज होने लग जाती यानी फीमेल की तरह की छाती बनने लग जाती है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाता है आ, स्पर्म्स की जो तादाद है वो कम होने लग जाती है कि मैंने बताया कि जब आप टेस्टोस्टिर खुद जिसम में डालते हैं तो बॉडी जो है वो खुद स्पर्म प्रोडक्शन बंद कर देती है आ, अगर प्रोस्टेट कैंसर है तो वो बहुत तेज़ी से फैलने लग जाता है या बढ़ने लग जाता है आ, टेस्टीज जो है वो श्रिंक हो जाते हैं अगर आप आ, बहुत अरसे तक टेस्टोसरोन के इंजेक्शन लेते हैं आ, जिगर का अर्जा जिगर से गुजर के जाता है तो आ, वहीं पे इसकी डिग्रेडेशन होती है आ, आपका जो खून है उसके अंदर ब्लड क्लाट्स बनने का खदा बढ़ जाता है आ, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना मकसद था डराना नहीं है लेकिन ये फैक्ट्स हैं जिनको आपने जानना है एफ़ डी ए जो अमेरिका का सबसे बड़ा इदारा है वो इस चीज़ को डिस्करेज करता है और uh, जिस तरह पाकिस्तान में जगह जगह पी आर पी क्लिनिक्स बन गई हैं शॉक वेव uh, क्लिनिक्स बन गई हैं इसी तरह टेस्टोस्टिर के इंजेक्शन जिसको दिल करता है वो लगा रहे हैं uh, यहाँ पर इस चीज़ को डिस्करेज किया जाता है और कहा जाता है कि आप ऑल्टरनेटिव यानी इसके अलावा जो तरीक़े हैं टेस्टोस्टेरोन को बेहतर करने के वो क्या हैं ये चीज़ यंगस्टर्स के लिए भी है और जो सीनियर हमारे मर्द हजरात हैं उनके लिए भी है कि आप जो हैं नींद का ख्याल रखें यानी सात से आठ घंटे अन यानी मुकम्मल रात को आप सोएं बैलेंस डाइट आप खाएं यानी उसमें तमाम चीज़ें हों उसमें आ, याद रहे कि सोया प्रोडक्ट्स ये भी एस्ट्रोजेनिक हैं सोया जो कि ऑयल में इस्तेमाल होता है इससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है फर्टिलिटी क्लिनिक्स में देखा गया है कि बी जो कि हमारे प्लास्टिक की बोतलों में पाया जाता है वो आ, उसका जब टेस्ट किया गया था उसकी मकदार बहुत ज़्यादा मिली है तो प्लास्टिक आ, की बोतलों का आप अवॉइड कीजिए जो यंगस्टर्स हैं वो मेटल की या ग्लास की जो बॉटल्स हैं उनको उसमें पानी लें वेट लॉस कीजिए क्योंकि वेट ज़्यादा होने से आपका जो टेस्टोसिरोन है उसको फैट सेल्स जो हैं वो इस्ट्रोजन यानी फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट कर देते हैं मॉडरेट uh, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं मॉडरेट एक्सरसाइज और कोशिश करें जो वजन उठाने वाली यानी बड़े पट्टों को कॉन्ट्रैक्ट करने वाली एक्सरसाइजेज़ हैं उससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है आप वाइटामस लीजिए मिनरल लीजिए वाइटामिन डी मैग्नीशियम, फ़िश ऑयल ज़रूर लें इसमें वाइटामिन ए डी के है शामिल ड्रग्स अवॉइड करें स्मोकिंग से इजतनाब करें अल्कोहल से बचें ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके टेस्टोस्टेरोन को कम करती हैं अगेन डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद लाइव फ्रॉम न्यूयॉर्क आपके uh, लिए हाजरे ख़दमत हैं आपको आगे ही पहुँचाना है कि हमारे uh, जो मर्द हजरात हैं वो ख़ुद अपना इलाज ना करें और टेस्टोस्टर से बचें टेस्टोस्टिर के इंजेक्शनस ना लगाएँ उसके नुकसान ज़्यादा हैं और ख़ास कर अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं वो वो हजरात तो बिल्कुल उससे परहेज़ करें क्योंकि उससे आपकी स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो मुतासर होती है और स्पर्म्स बनना कम हो जाते हैं या बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं आ, इस, हमारी तीन साइट्स हैं जैसे मैं पहले बता चुका हूँ दो हमारी लाहौर में साइट्स हैं मेजर साइट हमारी आ, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल है जो कि कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर के सामने वाक़ है वहाँ पर छः दिन हम लोग अवेलेबल हैं हफ्ते में संडे ऑफ होता है इसी तरह डी एच ए फेज़ फाइव में हमारा क्लिनिक है जहाँ पे हफ्ते में दो दिन हमारे कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं कराची में ओ एम आई हॉस्पिटल कराची जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है आई बी ए कराची और कोस्ट गार्ड क्वार्टर्स के अकब में वाक़ है वहाँ पर हमारा अमला आ, डेली अवेलेबल है सिवाए सन्डे के आ, इस सिलसिले में जो भी हम आपकी रहनमाई कर सकते हैं हम आ, कर रहे हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट हम ट्रीटमेंट करते हैं उन मरीज मरीजों का जिनको वेरिको है आ, वेरिकोसील का इलाज स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से किया जाता है आ, सर्जरी के आ, बहुत हाई फेलियर रेट है और हमारे अच्छी बड़ी तादाद उन पेशेंट्स की है जिनकी सर्जरी हो चुकी है और आ, और फिर दोबारा उन्होंने जब टेस्टिंग वगैरह कराई है और अलहमद ला रूबा रु, सेहत है हैं और अच्छी बड़ी तादाद जो है वो बगैर किसी आई वी एफ आई यू आई एक्सी या फर्टिलिटी सेंटर इन्वॉलमेंट के अल्लाह के फजलोक करम से वालद बन चुके हैं जो जो कि हमारे लिए बहुत अहसास है हर जो अल्लाह पाक का जितना हम शुक्र अदा करें वो कम है सिलसिले में अगर आप हमें रिपोर्ट्स भेजना चाहते हैं तो ज़ीरो थ्री थ्री जीरो टू नाइन सिक्स थर्टी थ्री हंड्रेड ज़ीरो थ्री थ्री जीरो टू नाइन सिक्स थर्टी थ्री हंड्रेड और ज़ीरो थ्री थ्री वन टू फाइव नाइन सेवन थ्री टू टू ये नंबर हमारे इस पेज पर पे जगह जगह दिए गए हैं आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए जिसका लिंक इसी पेज पे है और उस पे, आ, आपको वक्तन पर आपको लेटेस्ट मालूम हम पहुँचाते हैं वक्ता फ़वकाता और जो भी हम आपकी रहनुमाई कर सकते हैं आपको गाइड कर सकते हैं ये याद रहे कि ये तमाम रिपोर्ट्स मेरे तक आती हैं मैं देखता हूँ अभी इस वक्त यहाँ दिन है आपके यहाँ रात है तो हमें थोड़ा सा आप टाइम दीजिए और संडे का ख्याल रखें संडे को हमारा एक ही दिन है हमारे वर्कर्स का तो उनको ब्रेक भी चाहिए फैमिली के साथ टाइम भी गुजारना है उन्होंने आ, मैं संडे को भी काम कर रहा होता हूँ ठीक है तो उसमें ये कि जो भी हमसे हो सकेगा हेल्प करेंगे हमारे पेशेंट सिर्फ पाकिस्तान से नहीं हैं बल्कि दुनिया भर से हैं ऑल द वे साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से ले कर मतदा सऊदी अरेबिया यहाँ से तो इस तरह हैं जैसे शेखपुरा से लाहौर या हैदराबाद से कराची इस तरीके से पेशेंट्स आते हैं इसमें बहुत कम रिकवरी टाइम है आ, आप दो से तीन घंटे में आप घर चले जाते हैं एक छोटी सी बैंडेड लगा के आपका इलाज हो जाता है अगले दिन आप काम पे भी जा सकते हैं चंद हिदायत होती हैं कि आपने वेट नहीं उठाना है बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है बहुत ज़्यादा गर्मी से बचना है पानी का इस्तेमाल करना है नॉर्मल जो सी प्रकॉशंस है इसमें कोई ऐसा नहीं कि हम आपको जनरल एनस्जिया देते हैं हलक में ट्यूब डालते हैं ऐसी कोई चीज़ नहीं है रिकवरी बहुत फास्ट है और अलहमदिल्ला बहुत से हमारे पेशेंट जो है वो बाहत हैं और याद रहे कि जैसे आपका वेरिकोसील ठीक होता है तो आपकी पर्सनालिटी में भी चेंजेस आती हैं आप अच्छा फील करते हैं आपके हार्मोन्स नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं आपका लिबिडो यानी आपकी अजदवाजी ताल्लुक बहुत बेहतर होना शुरू हो जाते हैं आपका डिप्रेशन और एन्जाइटी ख़त्म होना शुरू हो जाती है आपका हेयर लॉस ख़त्म हो जाता है आपकी स्किन बेहतर हो जाती है आपके मसल मास ठीक होना शुरू हो जाते हैं बॉडी का जो फैट कंटेंट है वो कम होने लग जाता है आप मो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं यानी हमें तो यहाँ तक हुआ है कि हम हमारे पेशेंट इलाज करके आए हैं तो हमें पहचानने में उनको दिक्कत हुई है कि कम्प्लीटली चेंज पर्सनैलिटी अक्सर पेशेंट को देखा है वो एटलीस्ट दस साल यंग नज़र आते हैं हमें खुश नज़र आते हैं कि उनकी जो uh, मैरिड लाइफ है वो बेहतर हो गई है और हमारे लिए तो बहुत ही खुशी का मौका होता है जब हमें बताते हैं कि हमने कंसीव कर लिया है तो अल्लाह उनको से दे इस वक्त भी कई पेशेंट्स हैं जो कि इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी दुआ है कि उनकी औलाद उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो में खुशियाँ हों और बाहत हों अगेन डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद हाजर खदमत लाइव फ्रॉम न्यूयॉर्क आप हमें इस मैसेंजर के ऊपर सवाल भेज सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल के जवाब दे सकें आ, कोशिश ये थी हमारी कि हम आपको आगाही दें आपको इल्म दें और देखिए हम एक दूसरे से सीखते हैं इसमें जो मेरे यंगस्टर्स हैं डॉक्टर्स हैं या मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आगाही है कि देखें ये इस तरीके से किया जाता है और हमारी ख्वाहिश है कि हमसे जितना लोग सीख सकते हैं हम तो पेशेंट्स को भी सिखा रहे होते हैं इसी तरह जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं उनको भी सिखा रहे हैं कि क्या लेटेस्ट इक्विपमेंट है क्या लेटेस्ट टेक्निक है क्या बेहतर से बेहतर है जो हमारे मरीजों को आ, दिया जा सके या उनका इलाज किया जा सके आ, इस स्टेज पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अल्लाह ताला आपका हामियों नगबान हो असल व बरकातहू